दोस्तों शादी के बाद ऋतुराज गायकवाड़ की किस्मत में लग चुके हैं चार चांद, और अब वेस्टइंडीज दौरे के लिए ऋतुराज गायकवाड़ का काफी हद तक कंफर्म हो जाएगा नाम, क्योंकि उन्होंने पुनेरी बप्पा से खेलते हुए जिस टीम की वो कप्तानी भी कर रहे हैं महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में, उसमें जबरदस्त पारी भी खेल दी। सिर्फ 27 गेंदों में 64 रनों की पारी, 5 चौके 5 ही छक्के, और बहुत बढ़िया T20 क्रिकेट में जिस तरीके की बल्लेबाजी करी जाती है उसका प्रदर्शन दिखाया। अगर मैं आपको बताऊं तो पावर प्ले तक ही उन्होंने अपने जिसके साथ वो पार्टनरशिप कर रहे थे उनके साथ मिलकर पावर प्ले में 62 लगा दिए थे, 62 रन। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो सामने वाली टीम जो थी वो थी कोल्हापुर टस्कर, जिसके कप्तान थे केदार जाधव। खैर उन्होंने रन बॉल पारी खेली T20 क्रिकेट में, लेकिन जो सामने वाली टीम का अपोजिशन टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने वो खेल दी, मतलब जो है जिसे कह सकते हैं कोई नॉर्मल पारी नहीं थी, बहुत ज़बरदस्त T20 पारी देखी हमने। वन ऑफ द बेस्ट T20 नॉक्स बाय ऋतुराज गायकवाड़ हम कह सकते हैं, क्योंकि IPL 2023 में भी उनका फॉर्म जो है ज़बरदस्त रहा। पहले ही मुकाबला आपको याद होगा IPL 2023 का, गुजरात टाइटन्स वर्सेस CSK, जिसमें उन्होंने 92 रन की पारी खेली थी। मतलब अगर आप पूरा आप एनालिसिस देखें या पूरे अगर आप स्टैट्स देखें ऋतुराज गायकवाड़ के IPL 2023 के, तो 16 मैचों में 590 रन 147 के आसपास के स्ट्राइक रेट्स है, जिसमें उनके अगर आप 50s देखें तो उन्होंने 4 हाफ सेंचुरी यानी 4 अर्धशतक लगाए थे, तो उन्होंने फॉर्म लगातार कंटिन्यू रखा। अब वेस्टइंडीज़ का दौरा जाएगा जुलाई में टीम इंडिया का, और टेस्ट खत्म होंगे, वनडे खत्म होंगे, फिर उसके बाद 5 T20 मुकाबले खेले जाने। अब हो सकता है कि ऐसा फॉर्म देखते हुए सिलेक्टर्स के मन में आए ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल करने का, क्योंकि जब जब उनको मौका मिला ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए T20 क्रिकेट में, अभी तक T20 इंटरनेशनल्स में इतना अच्छे तरीके से उसको वो बुन नहीं पाए, या कह सकते हैं इतनी अच्छे तरीके से जितनी भी उनकी एबिलिटी है वो दिखा नहीं पाए, जल्दी आउट होकर चले जाया करते थे। लेकिन अब मौका है, क्योंकि अब उनकी किस्मत में चार चांद लग चुके हैं और लेडी लक उनको मिल चुका है। अब शादी होने के बाद ही उन्होंने तुरंत बाद ही ऐसी पारी खेल दी है महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में, और भाई ज़बरदस्त पारी है। हो सकता है कि अब टीम इंडिया में भी वो निखर कर आएँ, T20 क्रिकेट में ज़बरदस्त प्रदर्शन करें ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से ये बल्लेबाज सेटअप करता है। पहले धीमी धीमी पारी खेलता है, और वही करा जो दोनों बल्लेबाज थे शुरुआत में जो ओपनिंग करने आए थे, यानी ऋतुराज गायकवाड़ और उनका जो साथी जो बल्लेबाज था वो ओपनिंग करने आए, शुरू के 2 ओवर उन्होंने वक्त लिया, लेकिन उन्होंने जो फिर उसके बाद जैसा एक्सेलरेशन करा वो काबिले तारीफ था, वो बहुत ज़बरदस्त था। और अगर बात करें तो 8 ओवर में तो जो है 65 रन लगा दिए थे जो पुनेरी बप्पा जिस टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे, और खुद ऋतुराज गायकवाड़ 27 गेंदों में 64 रन की पारी खेलकर जो है 10वें ओवर के आसपास आउट हो गए थे खुद, और टीम के लिए आधा काम कर चुके थे। यानी कि आप देखें कोल्हापुर टस्कर्स ने जो केदार जाधव जिस टीम की कप्तानी कर रहे थे उनकी टीम ने 145 रनों का टारगेट दिया था पूरे 20 ओवर मिला के, 20 ओवर में 145 रन बनाए थे, 144 रन बनाए थे, 145 का टारगेट दिया था पुनेरी बप्पास को, तो इन्होंने 14.2 ओवर्स में जो है यानी कि 15वें ओवर की दूसरी गेंद तक ये टारगेट चेज कर लिया था बहुत आसानी से। और आप मान लीजिए कि 10 ओवर के आसपास या 11 ओवर के आसपास तो टीम 100 का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी रन के मामले में। तो ऋतुराज गायकवाड़ की ऐसी पारी देखकर अब सिलेक्टर्स के मन में उनके फॉर्म करंट फॉर्म को देखकर, जो कि हमारे सिलेक्टर्स का अमूमन रहता है पिछले 2-3 साल से कि प्लेयर्स पिक कर रहे हैं करंट फॉर्म को देखकर, तो ऋतुराज गायकवाड़ को ध्यान में रख रहे होंगे वो, और ऐसी पारियां देखकर उनके और दावेदारी मजबूत होती जा रही है टीम इंडिया में वापसी करने की वेस्टइंडीज टूर के लिए T20 आईज में। आपकी क्या राय है उनकी पारी के बारे में, और क्या उनका सिलेक्शन होगा वेस्टइंडीज दौरे में, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। और फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।